विपक्ष को बीजेपी के सामने कितनी चुनौती है? देखिए, यही वही विपक्ष है जो 2014 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में 282 सीटों के साथ अपनी सरकार बनाई थी। ये वही विपक्ष है जो 2019 में भी साथ था। तब भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों के साथ देश में अपनी सरकार बनाई थी। अब मुझे लगता है कि इस बार 303 से ऊपर ही भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति के ऊपर भी सरकार के कैबिनेट मंत्री अरुण सिंह ने कहा है कि भाजपा के समय में आर्थिक स्थिति प्रदेश की खराब थी और प्रबंधन का आरोप वर्तमान सरकार पर है। देखिए, प्रदेश में सरकार बने हुए 6 महीने हो गए। प्रदेश सरकार ने जिस दिन सत्ता संभाली थी अर्थात 11 दिसंबर को, तो 12 दिसंबर को लगभग 1000 इंस्टीट्यूशन बंद किए थे और पहले दिन से लेकर आज तक वो सिर्फ वित्त प्रबंधन की बात कर रहे हैं, प्रदेश सरकार को चलाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब वो प्रदेश को चलाने में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यही कारण है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन डगमगा रही है। मुझे लगता है कि वो बजाय भारतीय जनता पार्टी को कोसने के, वो अपने सरकार को संभालें और सरकार को ठीक रूप से चलाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि ये वही सरकार है जब उन्होंने 1000 के आसपास इंस्टीट्यूशन बंद किए, उसके साथ साथ अभी तक 31 मार्च तक एक भी टेंडर पूरे प्रदेश में नहीं हुआ। अब उसके बाद जो टेंडर हो रहे हैं वो भी पिक एंड चूज है और बड़े लिमिटेड टेंडर हो रहे हैं, जबकि अब तो विकास की गति और बढ़नी चाहिए थी। और दूसरे, ये वही लोग हैं जिन्होंने प्रदेश की जनता से 10 गारंटियां का वादा किया था और कहा था कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे, पहली जनवरी से प्रदेश की प्रत्येक महिला को, प्रत्येक महिला के खाते में 1500 रुपये पड़ जाएगा। कितनों को पड़ा? तो इसलिए उन्होंने कहा था कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे। तो उन्हें 10 गारंटियां दी थी, एक भी गारंटी बता दें कि पूरी की, एक गारंटी बता दें। और जब ओपीएस की बात करें, हमने भी कहा था कि हम एम्प्लॉयियों के विरोधी नहीं है, लेकिन हम कह रहे थे कि पहले फंड की व्यवस्था की जाए, तब ओपीएस का वो किया जाए। तो उन्होंने कहा था कि हम पहली जनवरी से ओपीएस देंगे, क्या हुआ? आज फिर कह रहे हैं कि ओपीएस को लेकर फिर बैठक। तो इसलिए प्रदेश सरकार जो 10 गारंटियां दे रही है, जिन 10 गारंटियों को उन्होंने वादा किया था, उनको पूरा करने में नाकाम रही है और प्रदेश की जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कहते हैं कि अब कुप्रबंधन के ऊपर उस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम चलाया गया है, पूरे देश में संवाद हो रहा है, किस तरह का कार्यक्रम है और किस तरह की तैयारी है 2024? हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आज पूरे देश भर में अपना बूथ सबसे मजबूत, इस कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक बूथ पर हो रहा है। आज मध्य प्रदेश के भोपाल से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम श्रद्धे श्री नरेंद्र मोदी जी लगभग 10 लाख बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के सुपुत्र श्री जगत प्रकाश नड्डा जी भी अपने कार्यकर्ताओं को बूथ कैसे मजबूत हो और अपने बूथ पर हम डटे रहें, इसका शुभ संदेश आज भोपाल की धरती से दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी प्रत्येक बूथ पर यह कार्यक्रम प्रत्येक कार्यकर्ता सुन रहा है, प्रत्येक बूथ पर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हैं, क्योंकि हमारा मूल मंत्र है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। और 2024 की जो आपने बात की है, क्योंकि चुनाव की अंतिम लड़ाई बूथ पर होती है, तो इसलिए 2024 की दृष्टि से भी भारतीय जनता पार्टी का जो महासंपर्क अभियान चल रहा है, जिसका मैं प्रदेश का काम देख रहा हूं, उसके तहत भी हम 30 तारीख तक प्रत्येक बूथ तक प्रत्येक कार्यकर्ता से मिलने का भी प्रयास करेंगे। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775, 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।